हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में शेयर करने जा रहे हैं। मे भी ये सारी मिस्टेक आप अपने मेंस्ट्रुएशन के समय, जिसे हम जो है कॉमनली पीरियड्स कहते हैं, उसके समय करते हैं। ये स्पेशली वीडियो सारी वुमेंस के लिए है, जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन के समय में 90% फीमेल ऐसी हैं जिनको पेन होता है। अब मेंस्ट्रुएशन के समय अगर पेन हो रहा है, उसकी तो कोई पर्टिकुलर मेडिसिन भी नहीं है कि आप उस मेडिसिन को लेकर अपने उस पेन को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं, वो सही नहीं होगा। उसके कुछ घरेलू उपचार होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय ये चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें मेंस्ट्रुएशन के समय कभी भी पेन नहीं होगा। अगर पेन हो रहा है तो मतलब बॉडी हमारी प्रॉपरली ब्लीडिंग नहीं कर पा रही है। आपका जो यूट्रस है, उसकी जो वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल, वही ब्रेक डाउन होती तभी हमें मेंस्ट्रुएशन होता है। तो प्रॉपरली वजाइना से ब्लीडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब क्लॉटिंग होगी, रुक रुक के ब्लीडिंग होगी, क्लॉटिंग होगी, तभी जो है क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होता है। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ ऐसी डाइट होती हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको आप, उस चेंजेस को अगर आपने चेंज कर लिया, वो 5-6 दिन जब तक आपके मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के 5 दिन होता है, बहुत सारे लोगों को 6 दिन होता है, बहुत सारे लोगों को 8 दिन होता है, इतने दिन तक मेंस्ट्रुएशन होता है। मिनिमम डेट जो होती है वो 5 दिन की होती है। तो इस पीरियड में, इन 5 दिन में हमें अपने डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे जो है आपको कभी भी मेंस्ट्रुएशन के समय पेन नहीं होगा। तो आप ये वीडियो केयरफुली सुनिए। स्पेशली ये वीडियो सारी फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए भी है, वो भी सुन सकते हैं, फीमेल्स के लिए भी है कि उनको अगर मेंस्ट्रुएशन के समय पेन हो रहा है तो वो उस पेन को कैसे प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। आप सबको पता है मेंस्ट्रुएशन को कॉमनली हम पीरियड भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें हमें मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो है, अगर आप रॉन्ग डाइट ले रहे हैं, आपका खाना और पीने का समय प्रॉपरली नहीं है, आप क्या खा रहे हैं इस पे आपकी बॉडी की आधी से ज्यादा एक्टिविटी डिपेंड होती है। तो अगर आपका खाने का तरीका, खाने की चीजें आपकी हेल्दी होंगी, अनहेल्दी नहीं होंगी। मे भी जो है मेंस्ट्रुएशन के समय कुछ हेल्दी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनको नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे कारण भी हैं। अगर आप, जितनी भी फीमेल हैं, अगर वो 5 दिन जो है जब तक उनका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, वो 5 दिन सिर्फ और सिर्फ अगर अपने डेली रूटीन में, 5 दिन की डेली रूटीन में वो अगर गर्म फूड को ऐड करती हैं, मतलब गर्म खाना खा रही हैं, तो उनको कभी भी मेंस्ट्रुएशन के समय पेन नहीं होगा। प्रॉपरली ब्लीडिंग होगी, वजाइना प्रॉपरली जो है ब्लीड करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लॉटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे मेंस्ट्रुएशन के समय दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहीं पे 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पी रही हैं, तो आपको जो है मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होगा। बॉडी आपकी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट नहीं कर पाएगी, जिससे जो है ब्लीडिंग नहीं अच्छे से होगी। ब्लीडिंग जब रुक रुक के होती है तभी मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होता है। अगर जो है मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग, मतलब फ्रैंकली एकदम फ्रिक्वेंटली हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, रुक रुक के नहीं हो रही है, तो आपको मेंस्ट्रुएशन के समय दर्द नहीं होगा। और इस दर्द को आप मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में चेंजेस लाइए। 5 दिन आपको बहुत केयरफुली खाना पीना है, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, इस पर अच्छे से ध्यान देना है, ताकि हमें मेंस्ट्रुएशन के समय पेन ना हो। और अगर जो है प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो ये आगे जाकर कोई ना कोई बीमारी ले लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 मंथ मेंस्ट्रुएशन हुआ, 2nd मंथ मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, फिर 3rd मंथ में मेंस्ट्रुएशन हो रहा, फिर 4 मंथ, ऐसे रुक रुक के अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो समझ जाइए आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं हो रहा है। तुरंत अपने डॉक्टर को जाइए, दिखाइए और प्रॉपर मेडिसिन ले लीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाए।
और अगर मेंस्ट्रुएशन के समय दर्द हो रहा है उसके लिए तो हम आपके साथ वीडियो शेयर ही करने जा रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन के समय अगर पेन हो रहा है तो हम कैसे इसे ठीक कर सकते। आप सबको पता चल गया कि मेंस्ट्रुएशन के समय में हमें ठंडी चीज नहीं खानी है, ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें खानी। जब भी खाइए गर्म खाना खाइए, जितने भी फ्राइड फूड आइटम्स होते हैं, बाहर की चीजें होती हैं, वो 5 दिन उन्हें खाना छोड़ दीजिए। 5 दिन उन चीजों से दूरियां बना लीजिए। मेंस्ट्रुएशन के समय किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हेल्दी होती हैं, अगर हम उन्हें मेंस्ट्रुएशन से पहले ले रहे हैं या मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये चीजें अगर हम मेंस्ट्रुएशन के समय ले रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी हो जाती हैं। जैसे कि सैलड क्यों नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हो जाता है। बॉडी अगर सारा मतलब बॉडी की सारी एनर्जी उस न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी तो प्रॉपरली ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, वजाइना से प्रॉपरली ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है मतलब जैसे कहीं कहीं खून जमने लगता है, क्लॉटिंग होने लगी, कॉगुलेशन होने लगेगा, तो हमारा वजाइना प्रॉपरली ब्लीड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है वो है ग्रीन टी, गर्म मतलब जो चाय होती है, चाय भी नहीं लेनी चाहिए, कॉफी भी नहीं लेनी चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है वो है अनसोक्ड नट्स, कोई भी नट्स आप ले रहे हैं अगर आप उन्हें भिगोकर नहीं खा रहे हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। स्पेशली अनसोक्ड नट्स आपको मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं लेना चाहिए। अगला जो डाइट है वो है डीप फ्राइड या फिर हैवी फूड आइटम्स। अगर आप मेंस्ट्रुएशन के समय पूरा पेट भर के खाना खा रहे हैं या बाहर की चीजें खा रहे हैं तो वो चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, हमारी होल बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है, और इससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी जो है प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन नहीं कर पाएगी, तो अच्छे से मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, प्रॉपरली वजाइना से ब्लड का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। अब और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें अपने डाइट में क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। गर्म खाना खाइए, हेल्दी डाइट्स लीजिए, नॉर्मल फूड आइटम्स लीजिए, पेट भर के खाना मत खाइए, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन होगा और मेंस्ट्रुएशन के समय आपको पेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है वो है हेड बाथ। मेंस्ट्रुएशन के समय ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको जो है अपने बालों को धुलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं धुलना चाहिए, बालों को धुलने से क्या होता है, मतलब जैसे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग या फिर अगर कहीं पे खून जमने लगता है, कहीं पे क्लॉटिंग होने लगती है, तो प्रॉपरली वजाइना ब्लड सिक्रेशन नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से जो है अगर सही से ब्लड सिक्रेशन नहीं होगा, क्लॉटिंग होगी, रुक रुक के ब्लड सिक्रीट होगा, तो उससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होता है। नेक्स्ट है वो है मेंस्ट्रुएशन के समय हमारी बॉडी वीक हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स चाहिए, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी बॉडी को आप जितना ज़्यादा रिलैक्स देंगे एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आपका मेंस्ट्रुएशन उतने ही अच्छे से होगा और आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। लास्ट जो हमें काम करना है वो है कि 5 दिन जब तक आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो आपको ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी है और अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सो भी रहे हैं तो इससे जो है आपको मेंस्ट्रुएशन में आराम मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन प्रॉपरली होगा, ब्लीडिंग प्रॉपरली होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज से आपको ये 5 दिन अच्छे से अपनी बॉडी की केयर करनी है ताकि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के समय हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द ना हो। बॉडी को जितना ज़्यादा आराम देंगे, जितना ज़्यादा आप सोएंगे और जितना चुन चुन के डाइट लेंगे, चुन चुन के डाइट का मतलब ये है कि हमें क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है, इस पे प्रॉपरली अगर आप ध्यान देंगे तो आपका मेंस्ट्रुएशन भी अच्छे से होगा, मेंस्ट्रुएशन में पेन नहीं होगा। अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा, मतलब होता है कभी कभी बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, तो हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं आराम नहीं मिलता है। एक आता है गर्म पानी का बैग आता है, मतलब वार्म वाटर बैग आता है, उस बैग को आप ले भी सकते हैं या फिर आप घर पे भी उस बैग को बनाकर जहाँ पे मतलब एब्डोमिनल रीजन में पेन होगा वहाँ पे अपने उस बैग को लगा लीजिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और एक चीज़ हर फीमेल को करनी चाहिए वो ये है, ये नहीं कि हम डेली वॉक पे जा रहे हैं तो 5 दिन हमें मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, हम उन 5 दिन को छोड़ दें, घर पे आराम करेंगे, नहीं।
आप वॉक पे जाइए, आप आराम आराम से वॉक पे जाइए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी करिए। मतलब ये नहीं एक्सरसाइज करनी जिसमें पैर उठा के इधर से उधर, कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं कराना, नॉर्मल योगा एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। इससे क्या होगा, आप मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा ब्लीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से ब्लीडिंग भी होती है। तो इसीलिए अगर जो भी फीमेल होती हैं, अगर वो हर दिन वॉक पे जा रही, योगा एक्सरसाइज कर रही हो, उन्हें कभी भी मेंस्ट्रुएशन के समय किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। तो आप भी चाहती हैं कि आपको मेंस्ट्रुएशन के समय पेन नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या करिए, हर दिन वॉक पे जाइए, धीरे धीरे ही वॉक करिए, लेकिन वॉक पे हमें जाना है। वहां से आने के बाद आधे से एक घंटे जितना आपके पास टाइम हो आप योगा एक्सरसाइजेस करिए, नॉर्मल योगा एक्सरसाइज करिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और बाकी दिन आप कोई भी योगा एक्सरसाइज कर सकती हैं। बस देखिए आपको मेंस्ट्रुएशन में कभी पेन नहीं होगा। आज से जितनी भी फीमेल इस वीडियो को सुन रही हैं, आज से ये सारी जितने भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है उन्हें फॉलो करिए, तब देखिए आपको कभी भी मेंस्ट्रुएशन के समय पेन नहीं होगा। अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकती है क्या प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन और उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। और एक चीज है, तीन चीजों को आप अपने डाइट में ऐड करके अपने मेंस्ट्रुएशन को और अच्छा कर सकते, और अच्छा करने का मतलब कि प्रॉपर ब्लीडिंग होगी। तब जब प्रॉपर ब्लीडिंग होगी तभी नहीं दर्द होगा, और तभी दर्द होता है जब आपकी ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होती। अगर ब्लीडिंग प्रॉपरली हो रही है, एक सीक्वेंस में हो रही है, तो आपको मेंस्ट्रुएशन के समय दर्द हो ही नहीं सकता है। आप हर दिन रात में, वैसे तो डेली आप हल्दी वाला दूध पी रही हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप हर दिन नहीं पी सकती हैं तो मेंस्ट्रुएशन के समय जरूर से जरूर पीजिए। रात में खाना मत खाइए, रात का खाना अगर खाना भी है तो दो रोटी और नॉर्मल सब्जी खा लीजिए। और एक चीज, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मसाले वाली चीजें और ज्यादा तीखी वाली चीजें आपको मेंस्ट्रुएशन के समय नहीं खानी है। वैसे तो डेली नहीं खानी चाहिए, बट आप इन चीजों को एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन ज्यादा अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों को खाएंगी तो आपकी ब्लीडिंग नहीं अच्छे से होगी। जब ब्लीडिंग नहीं अच्छे से होगी, वही हम बार बार बता रहे हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी हमें नहीं करनी है जिससे जो है प्रॉपरली ब्लीडिंग ना हो पाए, क्लॉटिंग करनी ही नहीं है। मतलब ऐसी हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ें, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ेंगे तभी जो है वजाइना हमारा प्रॉपरली ब्लड सिक्रीट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें मेंस्ट्रुएशन में पेन होगा। तो इसीलिए हमें ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है जिससे हमें मेंस्ट्रुएशन के समय पेन हो। तो आप हर दिन ये मतलब ये स्पाइसी स्पाइसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी, 5 दिन तो बिल्कुल नहीं खाना। 5 दिन अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो रात में नॉर्मल सब्जी ले लीजिए, 2 रोटी खा लीजिए बस। जब सोने जाने लगे तो आप क्या करिए, हल्दी वाला दूध बनाइए, 1 ग्लास तो आपको दूध लेना है, कोई भी दूध आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो दूध ले लीजिए। अगर आप गाय का दूध पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें 1 चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी देर तक बॉईल करिए, जब दोनों प्रॉपरली मिक्स हो जाए हल्दी वाला दूध गरम गरम पी लीजिए। और हमेशा गरम दूध पीना, एकदम उबाल के नहीं पीना, मतलब नॉर्मल दूध आपको पीना है। गरम दूध अगर आप पी के सो रही हैं, पानी नहीं पीना है, तब देखिए आपको मेंस्ट्रुएशन के समय दर्द ही नहीं होगा, और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में ही नहीं बेनिफिट्स मिलेंगे, और भी इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगला जो है वो है जिंजर। मेंस्ट्रुएशन में पेन हो रहा है तो अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, पानी में डालकर उसे बॉईल करना है, जब बढ़िया से अदरक और पानी अच्छे से मिक्सअप हो जाए उसका पानी आप पी लीजिए। कड़वा लगेगा लेकिन आप पी लीजिए, इतना ही बनाइए, मतलब जितना आप पी सके बस पी लीजिए, देखिए आपको उससे जो है आपको तुरंत आराम मिलेगा। नेक्स्ट हमें जो करना है वो है मेंस्ट्रुएशन के समय अगर आप 5 दिन गर्म पानी पी रहे, हर बार जितनी बार पानी पी रहे हम गर्म पानी अगर पी रहे हैं तो इससे भी हमें बहुत आराम मिलता है। अगला जो है वो है वार्म फूड, वो तो पहले ही बता दिया, गर्म खाना खाना है। और क्या करना है, आप कभी कभी अजवाइन या फिर सौंफ का भी पानी पी सकती हैं। देखिए आप हल्दी वाला दूध हर दिन पीजिए, जिंजर अजवाइन या सौंफ का पानी आप जो है इन तीनों चीजों को एक साथ मिक्सअप करके भी बना सकती हैं, या फिर आप इन तीनों में से जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उनका पानी अगर आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पी रही हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आज से आपको अगर मेंस्ट्रुएशन के समय पेन हो रहा है, जो मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं उन्हें फॉलो करिए, और जो चीज कहा है उनसे दूरियां बना लीजिए सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के समय, तब देखिए आपको मेंस्ट्रुएशन के समय कितना आराम मिलता है। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, हल्का फुल्का वॉक पे जाना है, और अपने डाइट को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, हल्दी वाला दूध हर दिन पीना है,
ताकि हमें मेंस्ट्रुएशन के समय किसी भी प्रकार का दर्द ना हो। जो एक्टिविटी करनी है वो करनी है, जो नहीं करनी है उनसे हमें दूरियां बना लेनी। स्पाइसी और ज्यादा चटपटी वाली चीजें हमें नहीं खानी है ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो और हमारा मेंस्ट्रुएशन अच्छे से हो, वजाइना को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप तुरंत कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके पूछिए, हम उसका रिप्लाई भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या चीज़ फॉलो करके आप जो है इस चीज़ से आराम पा सकते। वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।